दोस्तों मैं हूँ दिनेश, आप देख रहे हैं दिनेश शॉक का एक चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बोलूँगा आप किस तरह से आपका व्हाट्सएप में ऐप सेंड कर सकते हैं। वो तो डायरेक्ट सेंड नहीं होता, उसके लिए एक प्रोसेस है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आपका एक फाइल एक्सप्लोर में जाइए, एक्सप्लोर में जाके थोड़ा फाइल एक्सप्लोर जाके यहाँ पे आपका जो एपिक है और एपिक में जाइए। आप जो ऐप सेंड करना चाहते हैं वो आप ऐसे ले लीजिए। इसको फिर से रीनेम करते हैं, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, रीनेम कर दीजिए। आपको करना क्या है, लास्ट में जो एपिक है वो एपिक को कर दीजिए TXT टेक्स्ट, उसके बाद कर दीजिए ओके। आपके जो फाइल है, जो एपिक है, वो TXT में बदल गया है, उसको आप मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन और TXT में आ गया है। यहाँ पे आपको करना क्या है, अब इसके ऊपर फिर से क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो सेंड का ऑप्शन है आप सेंड बस शेयर कर दीजिए। मैं एक करूँगा व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में जाता हूँ। व्हाट्सएप में जाने के बाद जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे मेरा एक दोस्त है सुमन, उसको मैं सेंड कर देता हूँ। ये जा रहा है, आप देख सकते हैं ये जो व्हाट्सएप में ही जा रहा है एप्लीकेशन। दोस्तों अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन चला गया है। एप्लीकेशन TXT में है, इस एप्लीकेशन को आप ऐप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो शुरू करते हैं। पहले इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको करना क्या है कुछ नहीं। ये जो एप्लीकेशन ये आपका फाइल एक्सपोर्ट में सेव हो गया है जिसको भेजा, उसके बाद करना क्या है एक ही प्रोसेस है। उसके बाद आप फिर से डॉक्यूमेंट्स में जाइए। ये जो एप्लीकेशन है ये TXT में, इसलिए डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। फिर से करना क्या है, आपको फिर से करना है इसको रीनेम में जो लास्ट में TXT दिया है इसको कर दीजिए APK, कर दीजिए ओके। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यही ऐप फिर से एपिक में चला गया है। आपको करना क्या है, आप उस ऐप को सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से सिंपली आप इंस्टॉल कर ले। तो दोस्तों अभी तक इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों को बताने के लिए शेयर करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना दिनेश रॉक को। दोस्तों तो अभी तक इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।